जब जब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है, सबसे ज्यादा अखिलेश और ओवैसी को ही क्यों खलता है? अखिलेश और ओवैसी अवैध कब्जों पर क्यों कर रहे हैं ऐसी सियासत? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, देश के अंदर अवैध कब्जे के ऊपर बुलडोजर यूं ही गरजता रहेगा। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, वैसे ही सबसे ज्यादा तकलीफ अखिलेश और ओवैसी को होना शुरू हो गई। अखिलेश और ओवैसी अलग अलग तरीकों से अवैध कब्जों का बचाव करते दिख रहे हैं। वोट बैंक के खातिर कोई मजहब से इस एक्शन को जोड़ रहा है तो कोई खास जाति समुदाय से जोड़ रहा है। ये तीनों तस्वीरें देखिए, इसमें पिंपरी चिंचवाड़ की मस्जिद अवैध थी इसलिए तोड़ा गया, फरुखाबाद में घर अवैध थे इसलिए बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिए, धारावी में मस्जिद का ऊपरी हिस्सा अवैध था इसलिए हाथों से ही तोड़ दिया गया। इन तीनों कार्रवाई में लोकेशन अलग अलग है, एक्शन का तरीका भी अलग अलग है, मगर वोट बैंक की सियासत का पैटर्न एक ही है। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में मस्जिद पर ओवैसी नैरेटिव सेट कर रहे हैं और फरुखाबाद में नियम कायदों को ताक पर रखकर बनाए गए मकान ध्वस्त हुए तो अखिलेश को दर्द होने लगा। अवैध कब्जे के ऊपर जैसे जैसे बुलडोजर चल रहा है, वैसे ओवैसी मजहब को सामने ला रहे हैं तो अखिलेश एक जाति और समुदाय को। फरुखाबाद के ओखरा गांव में जिन घरों पर योगी का एक्शन हुआ, वो 100 बीघा जमीन में एक तिहाई जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया था जो पावर प्लांट के लिए आवंटित थी, लेकिन उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया और पक्के मकान बनाकर वहां पर लोग रहने लगे। फिर शासन प्रशासन ने कई बार जमीन खाली करने को कहा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार 5 जेसीबी के जरिए अवैध कब्जों को मिट्टी में मिला दिया गया। पहले दिन 18 मकानों को ध्वस्त किया गया, सोमवार को 5 और मकान गिराए जाने थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जैसे ही पता चला कि बंजर जमीन पर कब्जा करने वालों के सरनेम में यादव जुड़ा है, वैसे ही अखिलेश ने एक्स पर ड्रामा शुरू कर दिया और बुलडोजर और शासन प्रशासन पर सवाल उठाने लगे और लिख दिया लंबा चौड़ा चिट्ठा। इसके बाद समाजवादियों की पलटन ने मोर्चा संभाल लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एंटी यादव बताने लगे, नियमों के तहत हुई कार्रवाई पर भी सवाल उठाने लगे। माहौल का नेगेटिव रिजल्ट ये हुआ कि सोमवार को बुलडोजर एक्शन करने पहुंचे लेखपाल की पिटाई कर दी गई। आरोपों के मुताबिक लोगों ने लेखपाल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। समाजवादी पार्टी अवैध कब्जे को ये कहकर सही साबित कर रही है कि वहां पर लोग काफी पहले से रह रहे थे, लेकिन इससे क्या गारंटी मिल जाती है कि जिसे जहां मन हो वहां पर कब्जा कर ले और उसके बाद जब शासन प्रशासन की वहां नजर पड़े तो ये कहकर बात को टाल दिया जाए कि हम यहां बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, हम अवैध निर्माण के बीच में नहीं आएंगे, सार्वजनिक सड़क या जगह पर किसी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति में सुप्रीम कोर्ट के नियमों को भी और आदेशों को भी ताक पर रखकर प्रदेश के अंदर राजनीति कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने मस्जिदों पर हो रही कार्रवाई को लेकर अलग अलग नैरेटिव फैला रखे हैं। मदरसे की आड़ में जिस ढांचे को खड़ा कर दिया गया, पिंपरी चिंचवाड़ की नगर पालिका ने बुलडोजर से उसे गिरा दिया। मामला मुंबई हाईकोर्ट भी गया जहां अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का आदेश दिया गया था। मुंबई हाईकोर्ट ने इसके लिए धार्मिक स्थल पर कार्रवाई के लिए किसी तरह की अनुमति को भी जरूरी नहीं माना। बावजूद इसके महानगर पालिका ने नोटिस दिया और फिर जब कार्रवाई हुई तो और हिस्से को हटा दिया गया, तब मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने विरोध की कोशिश की मगर पुलिस फोर्स ने सब कुछ संभाल लिया। लेकिन ओवैसी ने इसमें नए एंगल को जोड़ते हुए कहा, ये केवल एक्शन मस्जिदों पर ही लिया जा रहा है, अन्य अवैध कब्जों पर नहीं। तो देख रहे हैं ना, जिस बुलडोजर को रोकने के लिए विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक मामले को लेकर गया, आज जब कोर्ट के फैसले के आगे मजबूर है तो तरह तरह के नैरेटिव सेट करके पब्लिक में वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत संदेश फैला रहे हैं। लेकिन भैया, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, और अगर नहीं जानती है तो हम उन्हें बताएंगे। आप बताइए, अखिलेश और ओवैसी की वोट बैंक की राजनीति सही है या फिर गलत, जिसमें कानून और कोर्ट के नियमों को ताक पर रखकर राजनीति की जा रही है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी किसी तड़कते भड़कते मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।